गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस योर पार्ट नंबर टू योर चैप्टर फ्रॉम द चैप्टर नंबर सिक्स ह्यूमन रिसोर्स एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वट इज़ द मीनिंग ऑफ डेंसिटी डेंसिटी होती क्या है डेंसिटी होती है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं उस उस प्रॉपर जो काउंटिंग है उसको हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं जैसे कि इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेसड एज़ पर स्क्वायर इसको कैसे माप सकते हैं हम पर स्क्वायर किलोमीटर एक एक किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं द एवरेज डेंसिटी इज पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ फोर्टी फाइव परसेंट पर स्क्वेयर्स हम अगर पूरी वर्ल्ड की डेंसिटी को देखें तो वो उसको हम कैसे नापते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में फोर्टी फाइव के नियर अबाउट लोग रहते हैं जैसे कि हर जगह पर अलग अलग है इसका मापने का तरीका तो इसकी डेंसिटी जो है वो भी अलग अलग है अलग अलग, अलग एरियाज में फैक्टर्स अब हमारे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनवीवन है मैंने आपको पहले भी बताया कहीं पर बहुत ज्यादा है कहीं पर बहुत कम है अब ये जो फैक्टर्स हैं वो किस चीज़ से अफेक्ट करते हैं किसी तो चीज़ से अफेक्ट करते होंगे ना तभी आनी वन है डिस्ट्रीब्यूशन तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जोग्राफिकल सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर सो so, फर्स्ट जोग्राफिकल फैक्टर टोपोग्राफी टोपोग्राफी मीन्स जहाँ पर जिस एरिया में आप रहते हो वो कैसा है माउंटेनी है प्लेन है कैसा है कोस्टल एरिया है माउंटेनी एरियाज़ में कंपेरेटिवली लोग कम रहते हैं क्योंकि इतनी फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती और प्लेन एरियाज में लोग ज्यादा रहते हैं क्योंकि उसमें हर फैसिलिटी इजीली अवेलेबल होती है द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो गंगा प्लेन्स में है क्यों क्योंकि वहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है और वहाँ पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं और माउंटेनी एरियाज जो हैं जैसे हिमालयस है वहां पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है नेक्स्ट है क्लाइमेट क्लाइमेट में पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट क्लाइमेटीज एंड दे आर वेरी हॉट वेरी कोल्ड क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा ठंड होती है लोग वहां पर नहीं रहना पसंद करते जैसे कि सहारा डेजर्ट वहाँ पर लोग बहुत कम रहना पसंद करते हैं लोग वहीं पर रहते हैं जहाँ पर जो क्लाइमेट है वो एवरेज होता है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम सॉयल अगर तो सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है बहुत ज़्यादा अच्छी है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होंगी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा होएगी अगर सॉयल फर्टाइल नहीं है वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है तो लोग कम रहेंगे क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं है तो लोगों को काम नहीं मिलेगा फूड इजीली अवेलेबल नहीं होगा लोग वहाँ पर नहीं रहेंगे वाटर अगर वाटर इजीली अवेलेबल है तो लोग रहेंगे अगर वाटर इजीली अवेलेबल नहीं है जैसे डेजर्ट एरियाज वहाँ पर पॉपुलेशन कम होएगी मिनरल्स मिनरल्स भी अगर इजीली अवेलेबल हैं एरियाज में तो पॉपुलेशन ज़्यादा होएगी जहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं है वहाँ पर पॉपुलेशन कम होएगी सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि बहुत अच्छे घर बने हों या फिर एजुकेशन और हेल्थ फेसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हों लोग वहीं पर रहेंगे इजीली कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स अवेलेबल हों तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं लोग वहाँ पर नहीं रहेंगे कल्चरल फैक्टर्स हैं जहाँ पर कई बार लोग क्या करते हैं आपका जो रिलीजन है आपका जो कल्चर है आपको अट्रैक्ट करता है अगर आपको वो वहाँ आपका कल्चर है, है या वहाँ पर आपके जैसे कई लोगों के रिलेटेड मंदिर होते हैं या कई लोगों के पूर्वजों की जगह होती है तो लोग वो जगह नहीं छोड़ते क्योंकि उनके इमोशंस जुड़े होते हैं उनके साथ तो कई कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं लोगों को इजीली एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर काम नहीं है लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा तो लोग ऑब्वियसली वहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि इनकम नहीं मिलेगी उनको जहाँ इनकम ईजीली मिलेगी लोग वहीं चले जाएंगे मूव ऑन हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज़ रीड पेज नंबर सिक्सटी एट एंड सिक्सटी नाइन